मगर मुझे बहुत मेहनत लगी इस किरदार तक पहुंचने के लिए। वैसे तो कहते हैं कि बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है, अपनी आवाज उठाने का शो है, अपने पॉइंट्स क्लियर रखने का शो है, बट क्या एक्चुअली ऐसा है? ये नो मोर पर्सनालिटी शो नाउ, इट इज मोर लाइक आपके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप कितना बड़ा फेस है, क्या आप कलर्स का फेस है कि नहीं है। ये जरूर कह सकती हूँ कि मुझे जो पसंद नहीं आए इस शो में, वो जैसे मैंने बताया टीना दत्ता। हिमानी, सबसे पहले स्वागत है आपका टेडी बियर। थैंक यू। तो अपने शो के बारे में कुछ बताइए जो आ रहा है, और उसमें आप क्या किरदार निभा रहे हैं? जो हमारा शो है दबंगी मुलगी आई रे आई, ये सास बहू के ड्रामा से बहुत अलग शो है। अगर आप इस शो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और स्पेशली जो इस शो में मेरा कैरेक्टर है कस्तूरी का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस शो का, एक मेन पिलर है। मैं यही कहूँगी इस कैरेक्टर के बारे में, जब मेकर्स ने इस कैरेक्टर को लिखा होगा तो आई एम श्योर बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है। एक बहुत ही इनसिक्योर्ड वुमेन, रेस्टलेस वुमेन, और जो मतलब कभी भी सिक्योर्ड फील नहीं करती लाइफ में, एक ऐसी औरत का किरदार है। और मैं लाइफ में इससे कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ, तो यस ये कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है और ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, बिकॉज कस्तूरी जिस बैकग्राउंड से आती है वो बहुत ही मतलब नीचे तबके के कह सकते हो, या फिर एक डांसर का कैरेक्टर प्ले करती आई है। वो उसका कैरेक्टर एक डांसर का था, जहाँ पर वो जब इस इतने बड़े घर में शादी करके आती है तो वो कभी भी सिक्योर्ड फील नहीं करती। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी इसको इस घर से उठा के बाहर फेंक दिया जा सकता है, तो इसलिए वो हमेशा घबराई हुई डरी हुई घूमती है। लेकिन पोस्ट लीप अब जब कस्तूरी आई है ऑडियंस के सामने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन दिख रही है, बहुत काम दिख रही है, उसको उसका गेम पता है, उसको पता है जो इतने सालों की मेहनत उसने की है आज जाकर रंग लाई है, और अब वो इस शो में एक सीएम के किरदार में आपको दिखने वाली है। तो यस, मुझे मज़ा आ रहा है इस शो को करने में, इस कैरेक्टर को प्ले करने में, क्योंकि जेन्युइनली ये कैरेक्टर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत मज़ेदार है, और लोगों को हमेशा ऐसे एज पर रखता है कि अब कस्तूरी क्या करेगी। जैसे कि आपने बताया आप सीएम का किरदार निभा रही हैं, सीएम देखा जाए तो एकदम डिफरेंट रोल, बेसिकली एक स्टेट का जिसको बॉस या कर्ता धर्ता कहा जा सकता है, तो ये जब कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या प्रिपरेशन किया? सी पहले तो मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं गया था कि मैं सीएम बनने वाली हूँ। ये अभी अभी प्लॉट पूरा चेंज हुआ है, आफ्टर लीप ऐसा आया है कि मैं सीएम बनने वाली हूँ। पहले का तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही डरी हुई इनसिक्योर एक डांसर थी, जो हमेशा अपनी जगह के लिए लड़ती रहती थी, अपने राइट्स के लिए डरी रहती थी, इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, एक बहुत ही विशियस विमेन थी। लेकिन अब जब वो उसको उसकी जगह मिल गई है, नाउ जब वो बहुत काम प्लेस में है, उसको पता है कि उसके हक के लिए जो उसने फाइट की थी उसको मिल गया है, तो यस वो मतलब आफ्टर सीएम ऑफकोर्स मैं एक अभिनेता हूँ, नेता तो हूँ नहीं। अब सीएम बन के कस्तूरी क्या करेगी वो तो मेकर्स को ही पता है, और उसके लिए आपको मंडे टू फ्राइडे दबंगी मुलगी आई रे आई शो देखना पड़ेगा रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट पे। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ तो आपके माइंड में तो चलता ही होगा कि मैं ऐसा बनाऊंगी या वैसा, जो भी है, तो आपने किसी से प्रेरणा या किसी को देखा है, मतलब अब तक प्रिपरेशन की है किसी को देख के बेसिकली? जी सच बताऊँ तो किसी को देखा तो नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती कि हाँ मैं इसको फॉलो करती हूँ, इसको फॉलो करती हूँ, मगर मुझे बहुत मेहनत लगी इस किरदार तक पहुँचने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत मतलब मैं रोज़ सोचती थी कि मुझे क्या करना है, क्या नॉर्मल लाइफ में मेरे साथ जो भी होता था, मैं सोचती थी अगर कस्तूरी इस जगह पर होगी तो वो क्या करेगी, तो मैं सोचने लगी कस्तूरी की तरह से। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कस्तूरी को जस्टिफाई कर पाऊँ, जो मेकर्स ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी थी मैं उसे पूरी तरह से निभा पाऊँ। और एवरी डे एक नया दिन होता था, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, गलत जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, बट करते 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 ऑडियंस का प्यार भी मिलने लगा और मेकर्स ने मुझे बहुत पसंद किया और चैनल को मैं बहुत पसंद आ रही हूँ, सो आई एम ब्लेस्ड। सीएम का रोल जब आपको ऑफर हुआ,
आपके माइंड में किसी कैरेक्टर की छवि आई जैसे कि आपने देखा रहेगा बहुत सारे शो मूवीज वगैरह आए हैं? देखिए अभी जो हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं उनको तो मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि अपनी अपने सीएम मेल और मैं फीमेल हूँ, लेकिन हाँ मैंने ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखे हैं। मैंने नायक फिल्म देखी है, एक दिन का अभिनेता है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया अपने मतलब अपने कैरेक्टर के लिए, क्या क्या उन्होंने प्रिपरेशन की होंगी मैंने वो सोचा और फिर उसी तरह से मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। आई थॉट 15 साल की आपकी जर्नी रही है इंडस्ट्रीज में, तो किस तरीके से देखते हैं आप इंडस्ट्रीज को और कैसे, अगर आपको बयां करना रहे तो कैसे बयां अब तक की जर्नी? गॉड हैज़ बिन काइंड, मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया, मैंने बहुत जेन्युइनली पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, लेकिन फिर भी हर शो में जब भी मैं गई मैंने हमेशा ये देखा कि मुझे हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ा, हर बार मुझे कोशिश करनी पड़ी कि मैं दिखा पाऊँ कि मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। 15 साल काम करने के बाद भी आई हैव ऑलवेज रियलाइज मुझे मेरा ड्यू अभी तक नहीं मिला है जो कि अभी भी बाकी है, सो लेट्स सी। टीवी से तो आपने किया, अबाउट ओटीटी एंड रियलिटी शो? ओटीटी रियलिटी शो और अगर हम फिल्म्स की भी बात करें, मैंने स्टार्ट तो अपनी जर्नी की थी फिल्म्स के साथ, बट डेफिनेटली मैं फिल्म्स नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव ऑलवेज फील अनसेफ, आई हैव ऑलवेज फील कि वो जगह मेरे लिए नहीं थी, मुझे बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मुझसे फिल्म्स के साथ। टीवी मेरा घर है, मुझे टीवी करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यस ओटीटी स्पेस की अगर हम बात करें आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ओटीटी स्पेस क्योंकि आज इतने टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने ओटीटी वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, चाहे वो रवि दुबे हो, चाहे वो रिद्धि डोगरा हो या फिर वरुण सोपती हो, ऐसे एक्टर्स हैं, मोहित सूरी हो, इतना काम उन्होंने टीवी में किया लेकिन ओटीटी स्पेस में उन्होंने जब गए तो उन्होंने इतने अच्छे कैरेक्टर्स निभाए, इतने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स किए, इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दिए, तो आई वुड डेफिनेटली वांट कि मैं भी ऐसे स्पेस में जाऊं और अच्छा काम करूं और ऑडियंस तक अपना नाम कमाऊं, जैसे कि शिफाली शाह जी जो थे उन्होंने हसरते टीवी शो से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन आज देखिए दिल्ली क्राइम जैसा शो वो करके उन्होंने दिल्ली क्राइम जैसा शो दिया है हमें और बहुत अच्छा काम करती हैं, सो आई फील ऐसा कुछ करने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। आपका ड्रीम रोल? ड्रीम रोल तो मैंने अभी भी आपको बताया, दिल्ली क्राइम में जो शिफाली शाह जी ने किया था वो आई वुड लव टू गो इन दैट स्पेस एंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन ओटीटी स्पेस। आपको फैशन, स्किन और केयर मतलब हेयर के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो फैंस को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? नहीं 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 नहीं, आपको ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं मेरा फैशन गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर मैं फैशन निस्ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, इतनी ज़बरदस्त लड़कियाँ हैं जिनका फैशन गेम ऑन पॉइंट है। देखिए मैं मानती हूँ कि मेरे लिए फैशन इतना ही है कि जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो पहन के आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वही फैशन है। तो होली आने वाली, इस बार की होली का क्या प्लान है आपका? होली के प्लान्स एज यूजुअल, मतलब मैं हमेशा अपने घर से दूर रही हूँ होली पे। जब बचपन में होते थे तो फैमिली के साथ में जैसे हर फैमिली बनाती है होली रंगों के साथ, अच्छे खाने के साथ, और मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में जो नेबर्स होते हैं वो नेबर्स नहीं होते हैं, वो फैमिली होते हैं, तो सब मिलके एक साथ में एक कॉलोनी में मज़े से खाते पीते थे, रंगों के साथ होली खेलते थे, गुब्बारे फोड़ते थे, सड़क पे चलते हुए लोगों के साथ में उन पे रंग उड़ा देते थे, तो यस ये बचपन की होली थी। और अब कुछ सालों से जो होली है अपने दोस्तों के साथ मना रही हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स का, उनके साथ में मैं हर साल होली खेलती हूँ और बहुत मज़ा आता है। बॉलीवुड कहते ना, डांस से लेकर ढोल से लेकर सब प्ले हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त होली मनाई जाती है। होली की कोई फ़नी मेमोरीज आपके माइंड में हो बचपन से लेकर अभी तक, कोई एक वाक्या जो फ़नी हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग सारे बच्चे मिलके कॉलोनी के जो सड़क पे लोग होली नहीं खेल रहे होते थे
उनके ऊपर रंग उड़ा देते थे या फिर कलर का पानी फेंक देते थे या फिर गुब्बारे फोड़ देते थे। हाँ, तो ये मस्ती हम बहुत करते थे और अब बड़े हो गए हैं तो सोचते हैं कि कितनी बदतमीजी करते थे। सॉरी अंकल आंटी सारे जिनको भी मैंने रंगा हो बचपन में उनको, लेकिन वो कहते ना बुरा ना मानो होली है। वैसे तो बहुत सारे रियलिटी शो हैं जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, जिसमें से एक सबसे फ्रंट में है बिग बॉस, जो काफी कंट्रोवर्सियल शो रहा है यार। तो अगर आपको ऑफर हुआ तो क्या आप जाना चाहेंगे? वैसे तो कहते हैं कि बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है, अपनी आवाज़ उठाने का शो है, अपने पॉइंट्स क्लियर रखने का शो है। बट क्या एक्चुअली ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये नो मोर पर्सनालिटी शो नाउ, इट इज़ मोर लाइक आपके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप कितना बड़ा फेस है, क्या आप कलर्स का फेस है कि नहीं है, अब ये गेम हो गया है। तो हाँ, लेकिन अगर जेन्युइनली मुझे बिग बॉस ऑफर होता है और मुझे बुलाया जाता है और अगर उनको जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखनी है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। अच्छा, जब बात होगी बिग बॉस की तो इस शो में या कोई भी शो में इसके पहले वाले सीजन में कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है आपका? बिग बॉस 7 में गौहर खान थी जो मेरी दी मोस्ट फेवरेट रही हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे वो कभी भी अपनी आवाज़ उठाने से डरती नहीं थी, सीधी बात कहती थी, नो बकवास। तो यस, मुझे वो बहुत पसंद थी। और रूबीना दी लेक जिन्होंने जेन्युइनली धमाल मचा दिया था जब वो बिग बॉस 14 या 13 में आई थी, 13 में आई थी आई गेस, यस नहीं 14 में आई थी, करेक्ट। सो वो एक, एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे साथ अब नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद थे उस शो में। यस, किसे देख के लगता है ये बिग बॉस इनके लायक शो नहीं था फिर भी आ गए? बहुत सारे हैं। सबके नाम लूँ क्या? ओके, टीना दत्ता, वो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे वो ज़्यादा पसंद। लायक तो मैं, देखो मैं कोई नहीं होती किसी को लायक या ना लायक कहने के, वो उनके लिए बेसिकली था ही नहीं शो देखा जाए तो। था ही नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ ना, ये मैं जज नहीं हूँ, मैं कहने वाली भी कोई नहीं होती हूँ। कल को मुझे भी कह देंगे ये लायक नहीं थी, तो मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को लायक या वो लायक है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे जो पसंद नहीं आए इस शो में, वो जैसे मैंने बताया टीना दत्ता, वेरी मैनिपुलेटिव, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नाम ना ले तो बेटर है, छोड़ दो जाने दो। लास्टली जाते जाते मैसेज फॉर टाइम, देखिए मैं अपने किरदारों के लिए, अपने काम के लिए, अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप तक अपने कहते ना उस किरदार को पहुँचा पाऊँ और ईमानदारी से पहुँचा पाऊँ। और अगर आपको भी मेरा काम, मेरी मेहनत समझ में आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप मेरे काम को सराहें और बहुत प्यार दें। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.